Hello everybody, welcome to this video lecture series on software testing. आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक यूज केस टेस्टिंग के बारे में जिक्र करेंगे. हम चेक करेंगे कि यूज केस बेस्ड टेस्टिंग जो है उसमें टेक्निक किस तरह से इस्तेमाल होती है, एग्जांपल्स, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेशंस और टूल्स जो उसकी अंदर सिनेरियोस को ज्यादा बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा हम एक आदि एग्जाम्पल को भी आपको फ्लोट कर देंगे कि यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ्स. सो जब हम बात करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कस्टमर के जहन में सिर्फ सिनारियोज होते हैं, यानी कि उसके पास सिर्फ ये कंडीशंस होती हैं कि अगर मैं इनपुट एक्स वाई जेड इनपुट दूं तो मेरे पास ए बी सी आउटपुट आए. अब वो किस तरह आए, ये जो है ये एक डेवलपर का काम है या प्रोग्रामर का काम है या जो एनालिस्ट है उसने उसको फाइनलाइज शेप में लेके आना है. तो यूजर सिनारियो तो इजीली आपको बता सकता है कि किस सिनारियो में काम हो. सिनारियो का मतलब है कि आम जबान के अंदर वो आपको बता सकता है कि अगर कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट मिले या जब कोई गंदा गलत इनपुट करे तो उसके जगह पे आउटपुट क्या आए. तो ये जो है ये सिनारियोज हैं. इन सिनारियोज को हम कहते हैं यूज केस. इन सिनारियोज को अगर हम पिक्चर्स के अंदर बनाएं तो हम कहते हैं कि हम यूज केसेस बना रहे हैं. ठीक है, यूज केसेस आपके जो है वो आइवर जैकबसन ने क्रिएट की थी, राइट. और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज केस ड्रिवन अप्रोच, इस बुक में जब वो फॉर्मली आई थी तो उसके बाद इसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई थी. तो यूज केस क्या होता है? अ सिनेरियो दैट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ अ सिस्टम बाय एन एक्टर टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल. यानी कि सारा फोकस है सिनारियो के ऊपर. यूज केसेस के जरिए आप सिनारियोज को डिपिक्ट करते हैं. व्हाट इज एन एक्टर? एन एक्टर इज अ यूजर प्लेइंग अ रोल विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम सीकिंग टू यूज द सिस्टम टू अकॉम्प्लिश समथिंग वर्थवाइल विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. एक्टर्स आर जनरली पीपल ऑल्दो अदर सिस्टम्स मे ऑल्सो बी एक्टर्स. यानी कि आपने आपका सिस्टम इनिशिएट किसने करना है, हैंडल किसने करना है. प्रोसेसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन हर प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कोई बंदा मौजूद होगा, हर प्रोसेस को चेक करने के लिए भी कोई बंदा मौजूद होगा. तो वो जो लोग मौजूद हैं उन्हें हम एक्टर्स कहते हैं. सिनारियो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम. जो इंटरेक्शन है एक सिस्टम के बीच में, एक्टर के बीच में, उसको हम कहते हैं सिनारियो. द नो दैट द यूज केस इज डिफाइंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर एंड नॉट द सिस्टम. यूज केसेस बनाने का या यूज केस डायग्राम का या यूज केस बेस्ड टेस्टिंग का फायदा ही तब है जब आप यूज केसेस यूजर के हिसाब से बनाएं, कि यूजर जो सिनारियो बता रहा है आप उसके हिसाब से यूज केसेस डायग्राम्स को बनाएं. द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम वाइल वाइटल आर नॉट पार्ट ऑफ द यूज केस डेफिनेशन. तो यूज केस डायग्राम या यूज केस डेफिनेशन के अंदर जो है इंटरनल वर्किंग के ऊपर काम नहीं होता कि किस तरह वर्किंग होगी, बस ये है कि ओवरऑल सिस्टम का फ्लो किस तरह चलेगा. द सेट ऑफ यूज केसेस मेक अप द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम. सेट ऑफ यूज केसेस, एक से ज्यादा यूज केस होंगे एक सिनारियो के अंदर, एक्टर्स उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये आपका जो है वो एक सिस्टम बना के देगा. जब हम बात करते हैं यूज केसेस की, तो हमारे पास यूएमएल के अंदर ये हमारे पास है एक्टर्स. दिस इज एन एक्टर. एक्टर को हम स्टिक फिगर्स भी कहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ स्टिक फिगर. तो ये एक्टर्स हैं हमारे पास. उसके बाद ये है यूज केसेस. एक ओवल शेप्ड यूज केस है या सिनारियो है जिसको हम इक्लिप्स भी कह सकते हैं. इलिप्सिस रिप्रेजेंट द यूज केसेस, ठीक है जी. एंड द एरोज, के एक्टर और यूज केस के बीच में आपके पास एक एरोज हैं जो कि आपको बताते हैं कि ये यूज केस किसने इनिशिएट किया. द यूज केस इज एज अ सिनेरियो दैट इज अ सिनेरियो दैट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ अ सिस्टम बाय एन एक्टर टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल. अब ये एक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर, इसने इसका गोल क्या है कि इसने कोर्स क्रिएट करना है. तो ये हमारा सिनेरियो हो गया. स्टूडेंट जो है उसका गोल क्या है कि वो एनरोल कोर्स में एनरोल करेगा या कोर्स को ड्रॉप करेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे एक सिनारियो के अंदर बात हो रही है, यूनिवर्सिटी सिनारियो.
अब जब आपने यूज केस डायग्राम तो पढ़ लिया कि यहाँ पे यूज केस आते हैं, वहाँ पे एक्टर्स हैं, यूज केसेस हैं, एरोज हैं, तो फिर इसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक यूज केस टेबल बना सकते हैं, हम एक यूज केस टेबल बना सकते हैं। तो यूज केस टेबल है, उसमें हमें यूजर केस आईडी, हमें एक आईडी नंबर देना होगा इस यूज केस को, जैसे कि ये हमारा एक यूज केस है, इसको हम कोई आईडी देंगे। उसके बाद हमारे पास यूज केस का नेम जो यूज केस के अंदर मौजूद है, यूज केस किसने क्रिएट किया, अपडेट लास्ट कब हुआ, ठीक है, डेट कब क्रिएट की, डेट लास्ट अपडेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के फिर एक्टर, कौन से एक्टर से वो यूज केस इनिशिएट हुआ, उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यूज केस की डिस्क्रिप्शन, यूज केस की प्री कंडीशंस क्या है, यानी कि कौन सा सिनारियो पहले फिनिश होना चाहिए उस यूज केस के स्टार्ट होने से पहले, और पोस्ट कंडीशंस क्या है कि जब ये सिनारियो फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पोस्ट कंडीशन क्या होगी, प्रायोरिटी इस यूज केस की प्रायोरिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज कितनी दफा इस्तेमाल हो सकता है, कितना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा हो, सही इनपुट्स मिल रहे हो तो किस तरह चलना चाहिए। ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ इवेंट्स, अगर सही ना हो, गलत इनपुट आ जाए या सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सब क्या है, ये ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस है कि उसमें क्या होगा। एक्सेप्शंस, कि कोई ऐसी वैल्यूज है जिसको हमने एग्जम्पशन दी हुई है कि अगर ये वैल्यू आ जाए, हालांकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स से हटके है लेकिन फिर भी हमारा प्रोग्राम चलेगा। इसके अंदर कौन कौन सी यूज केसेस इंक्लूडेड है, ठीक है, इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अजम्पशंस क्या है, और कोई और अगर नोट्स या इश्यूज हैं तो हम इसमें नोट डाउन करेंगे। तो ये एक डिटेल्ड यूज केस टेबल है, जैसे कि यहाँ पे अब हमारे पास एक सिनारियो की पूरा का पूरा टेबल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यूज केस आईडी, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि हम कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 001 दे सकते हैं, 002 दे सकते हैं, जो भी हमारे यूनिकनेस हो। यूज केस नेम, रजिस्टर ऑफ कोर्स दैट इज अ क्लास टॉट बाय द फैकल्टी मेंबर, इस सिनेरियो के हिसाब से, क्रिएटेड बाय सैम लीड टेस्टर, लास्ट अपडेटेड बाय जॉन, डेट क्रिएटेड 13 जनवरी एंड डेट लास्ट अपडेटेड 13 जनवरी 2017। तो ये आपका जो है वो उसकी फिलिंग हो रही है बेस्ड अपॉन अ सिनेरियो के, आपके पास एक कोर्स के ऊपर जो है ना वो सिनेरियो है। एक्टर है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या करेगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है यूज केस की। इसकी प्री कंडीशन क्या है कि द यूजर मस्ट बी लॉग्ड इन द सिस्टम यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल, यूजर लॉग इन होगा तो कोर्स को रजिस्टर कर सकता है। पोस्ट कंडीशन ये है, द स्टूडेंट शुड बी रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, कोर्स शुड बी एडेड टू द स्टूडेंट लिस्ट। पोस्ट कंडीशन ये है कि स्टूडेंट ने जब ऐड कर लिया कोर्स को तो स्टूडेंट के पोर्टल के ऊपर अपडेट हो जाए ये कोर्स। प्रायोरिटी इसकी हाई और क्रिटिकल है कि ये कोर्स तो उसने रजिस्टर करना है स्टूडेंट ने। फ्रीक्वेंसी और यूज अप्रोक्सीमेटली 5 courses इंटू 10,000 स्टूडेंट्स इन 2 weeks। जब एक सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो अप्रोक्सीमेटली एक सेमेस्टर में स्टूडेंट 5 courses ले रहा होता है ऑन एवरेज, और अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास 50,000 स्टूडेंट्स जो है ना वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्टर करते हैं। आपके पास जो कोर्स रजिस्ट्रेशन टाइम है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स का है, तो 2 वीक्स के अंदर 50,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करना है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज हो गया इस यूज केस की। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, सिलेक्ट रजिस्टर अ कोर्स, सेलेक्ट अ कोर्स, डिस्प्लेस द कोर्स डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट सेक्शन यानी कि जिस टाइम स्लॉट पे उसको लेना है, डिस्प्ले सेक्शन डेज एंड टाइम, एंड देन एक्सेप्ट्स, और उसके बाद एड कोर्स सेक्शन टू द स्टूडेंट्स कोर्स लिस्ट, यानी कि जब वो एक्सेप्ट का बटन दबाएगा तो वो जो कोर्सेज हैं फिर वो स्टूडेंट की आईडी के अंदर भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ कोर्सेज क्या हो सकते हैं, कोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट, जो यूजर कोर्स ढूंढ रहा है वो है नहीं, तो डिस्प्ले मैसेज करो और एग्जिट हो जाए। दूसरा ये है कि सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, जो टाइम स्लॉट या सेक्शन की उसने बात की है वो अवेलेबल नहीं है। तीसरा ये है कि सेक्शन फुल हो जाए, अगर 50 स्टूडेंट्स अलाउड थे किसी एक सेक्शन के लिए, 50 अचीव हो गए हैं तो वो फुल हो गए, ठीक है। स्टूडेंट डज नॉट एक्सेप्ट, ये भी एक और हो सकता है कि जब ये सब कुछ डिस्प्ले हो जाए तो स्टूडेंट एक्सेप्ट ना करे और वो एग्जिट कर जाए, तो ये आपके ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन है। एक्सेप्शन क्या है, स्टूडेंट में यूज वेब स्लैश फोन, यानी कि जो आपका पोर्टल है वो वेब के ऊपर भी, जो मोबाइल फोन के ऊपर भी इजीली एक्सेसिबल हो। इंक्लूड नन, नो एक्स्ट्रा कंडीशंस, नो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। अजम्पशन ये है कि स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर अ कोर्स, यानी कि आपका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो, ये आपकी अजम्पशन है, ठीक है, एंड देर आर नो मोर इशूज। तो ये आपके पास एक टेबल है, यूज केस टेबल की एग्जाम्पल है, डिटेल्ड यूज केस टेबल की एग्जाम्पल है।
अगर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये डिटेल्ड यूज केस टेबल है, तो फिर हमारे पास एक बेसिक यूज केस टेबल भी होगा। बेसिक यूज केस टेबल हमारे पास ये है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ यूज केस नेम होता है, प्री कंडीशन, टिपिकल केसेस ऑफ इवेंट्स एंड ऑल्टरनेट केसेस ऑफ इवेंट्स। इससे हम एक बेसिक यूज केस टेबल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बैंकिंग का एटीएम सिस्टम का जो है एक यूज केस बना हुआ है, यूज केस डायग्राम। इसकी अगर हम बात करें किसकी, कैश विड्रॉल की, कैश विड्रॉल की, यानी कि हम इस यूज केस के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, विड्रॉ कैश। इसकी प्री कंडीशन ये है, द एटीएम इज ऑनलाइन, द एटीएम सिस्टम हैज सफिशिएंट कैश अवेलेबल। कैश अवेलेबल होगा तो फिर ही वो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन होगा तो चेक कर सकेगा कि कैश है कि नहीं। ठीक है, टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इसका, द कस्टमर विल इंसर्ट अ डेबिट कार्ड, द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट फॉर द पिन, द कस्टमर विल एंटर द पिन, द सिस्टम विल डिस्प्ले द ऑप्शन विड्रॉ कैश, द कस्टमर विल सिलेक्ट द ऑप्शन विड्रॉ कैश, सिस्टम विल प्रॉम्प्ट फॉर एन अमाउंट, कस्टमर विल एंटर द अमाउंट, सिस्टम विल सबमिट द अमाउंट टू द बैंक फॉर अप्रूवल, द बैंक विल कंफर्म द ट्रांजैक्शन, द सिस्टम विल डिस्पेंस द कैश अमाउंट, The system will return the card. The use case ends with a success. यानी कि typical course of action का मतलब है कि आपके पास एक successful scenario में क्या-क्या steps होते हैं, वो सारे आ गए। अब हम आते हैं alternate course of action में। Alternate course of action जैसे मैंने पहले भी बताया था कि alternate course of action का मतलब है कि अगर कोई चीज हमारे regular event से deviate कर रही है, यानी कि कोई चीज false हो रही है, ठीक है? अब हमारे पास step number 4 में फॉल्स हो सकता है क्या? स्टेप नंबर 4 की जो हमारा टिपिकल केस है वो ये था, सिस्टम विल डिस्प्ले द ऑप्शन विड्रॉ कैश, कब? जब स्टेप नंबर 3 में पिन एंटर होगा, ठीक है? तो स्टेप नंबर 4 में क्या हो सकता है कि आपका जब स्टेप नंबर 3 में यूजर ने पिन एंटर किया तो पिन इनवैलिड हो सकता है। तो स्टेप नंबर 4A, इफ द पिन इज इनवैलिड द सिस्टम विल रिटर्न द कार्ड, द यूज केस एंड्स विद अ फेलियर। यानी कि अगर पिन कार्ड गलत डाला स्टेप नंबर 3 के अंदर, तो स्टेप नंबर 4 में आपका एग्जिट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद स्टेप नंबर 8 में, स्टेप नंबर 7 में कस्टमर जो है वो अमाउंट एंटर करता है और स्टेप नंबर 8 में सिस्टम उसको अप्रूव करता है, ठीक है? लेकिन ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि इफ द अमाउंट इज इनवैलिड द सिस्टम विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज एंड प्रॉम्प्ट फॉर द अनदर अमाउंट एंड द यूज केस रिज्यूम्स एट 7। यानी कि अगर उसने अमाउंट एंटर की, वो अमाउंट जो है वो जितने उसके ट्रांजैक्शन लिमिट थी या जितने उसके बैलेंस में थी उससे ज्यादा थी, तो क्या होगा, वो एरर मैसेज दे देगा कि जी इतने पैसे नहीं निकल सकते इस वक्त, और उसके बाद वो क्या करेगा, द यूज केस रिज्यूम द स्टेप नंबर 7, यानी कि दोबारा वो कह जाएगा द कस्टमर विल एंटर एन अमाउंट, दोबारा उस पर चला जाएगा। सिमिलरली स्टेप नंबर 9 में द बैंक विल कंफर्म द ट्रांजैक्शन एंड नंबर 10 में द सिस्टम विल डिस्पेंस द कैश। अब अगर सिस्टम ने ओके कर दिया, द बैंक विल कंफर्म द ट्रांजैक्शन, द बैंक विल कंफर्म द ट्रांजैक्शन स्टेप नंबर 9, और स्टेप नंबर 10 में क्या हुआ, टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन तो इसका ये था सिस्टम विल डिस्पेंस द कैश अमाउंट, और ऑल्टरनेट ये था द बैंक डिक्लाइंस द ट्रांजैक्शन फॉर वट एवर रीजन, उसका सर्वर डाउन है या कोई और इशू आ गया है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर दिया, तो कार्ड आपका वापस हो जाएगा और यूज केस फेलियर में एंड हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये देखें 3A, 5A, 7A, इफ द कस्टमर सेलेक्ट द ऑप्शन कैंसिल, स्टेप नंबर 3 पे, यानी कि जब कस्टमर से पूछा जाएगा कि पिन एंटर करो, तो कस्टमर वहां पे कैंसिल प्रेस कर सकता है, ये रहा, दिस इज द कस्टमर सेलेक्ट द ऑप्शन कैंसिल, सिस्टम विल रिटर्न द कार्ड एंड द यूज केस एंड्स। अच्छा जी, स्टेप नंबर 5 पे द कस्टमर विल सेलेक्ट द ऑप्शन टू विदड्रॉ कैश, वहां पे भी अगर स्टूडेंट यूजर कैंसिल करे तो इस तरह सिस्टम आपका जो है वो कार्ड वापस करेगा और केस एंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली 7A, द कस्टमर विल एंटर द अमाउंट, अमाउंट एंटर करते हुए भी कैंसिल का बटन दबा देगा अगर, तो क्या होगा कि आपके पास ये कार्ड वापस हो जाएगा और यूज केस एंड हो जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक यूज केस टेबल है, यूज केस डायग्राम्स के की डिटेल्स की टेस्टिंग के लिए। तो यूज केसेस को हम, द वैल्यू ऑफ यूज केसेस दैट दे कैप्चर द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव,
फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब है ब्लैक बॉक्स रिक्वायरमेंट्स, ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स, वो उसके हिसाब से उसका इनपुट करते हैं, नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट पैराडाइम टू बी यूज। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगा उसके ऊपर जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन जो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसके कौन से इनपुट पे क्या आउटपुट होना चाहिए, सिनारियो कैसे डेवलप होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करता है यूज केस डायग्राम। कैन बी यूज टू एक्टिवली इन्वॉल्व यूजर्स इन द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड डेफिनेशन प्रोसेस, क्योंकि रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अंदर आपने बार बार यूजर से इंटरेक्शन करनी है, तो आप उसमें यूज केस डायग्राम बना के सिनारियों को फर्दर क्लियर करवा सकते हैं। प्रोवाइड द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग अ सिस्टम्स की इंटरनल कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर्स, डेटाबेसेस एंड रिलेशनशिप्स। इसके जरिए आप जब इसको यूज केस डायग्राम बना के यूज केस डायग्राम का टेबल बना लेते हैं, चाहे बेसिक वाला चाहे डिटेल्ड वाला, उसके जरिए आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटाबेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग टेस्ट केसेस एट द सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस लेवल, क्योंकि बिल्कुल ही स्टार्टिंग के ऊपर ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, टेस्ट केसेस डेवलप कर सकते हैं। टेस्ट द इम्प्लीमेंटेशन द बेसिक रूल इज टू क्रिएट एटलीस्ट वन टेस्ट केस फॉर द मेन सक्सेस सिनेरियो एंड एटलीस्ट वन टेस्ट केस फॉर ईच एक्सटेंशन। यानी कि अगर आपने यूज केस बेस्ड टेस्टिंग करनी है, तो हर यूज केस का कम से कम एक जो है ना आपने टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है और एक आपने ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है। टू क्रिएट टेस्ट केसेस स्टार्ट विद द नॉर्मल डाटा फॉर द मोस्ट ऑफन यूज ट्रांजेक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं, देन मूव टू बाउंड्री वैल्यू, देन इनवैलिड डाटा। पहले आप जो है वो वैलिड ट्रांजेक्शन को चेकआउट करें, फिर आप इनवैलिड डाटा को और क्रिटिकल वैल्यूज को चेकआउट करें। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब कि बिल्कुल बाउंड्री वैल्यूज को। नेक्स्ट चूज द ट्रांजेक्शंस दैट व्हाइल नॉट यूज्ड ऑफन आर वाइटल टू द सक्सेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपके पास टेस्टिंग के वक्त आपने वो वैल्यूज भी यूज करनी है जो आपके सिस्टम की क्रिटिकल परफॉर्मेंस को जो है ना वो अफेक्ट कर सकती हैं, चाहे वो उसका रेगुलरली यूजर जो है वो उसको ना फ्रीक्वेंसी हो उसको क्लिक करने की। मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट वन टेस्ट केस फॉर एवरी एक्सटेंशन इन द यूज केस। तो आपने यूज केस डायग्राम में जितने भी यूज केसेस बनाए हैं, हर यूज केस के ऊपर आप जो है वो एक यूज केस टेबल बनाए, और उसमें कम से कम एक जो है ना वो आपके पास टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन और एक ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन जरूर हो। ट्राई ट्रांजेक्शन इन स्ट्रेंज ऑर्डर, यानी कि आप ऊपर नीचे उसकी रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, उस तरह करने से आपको जो है ना वो एरर निकालने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और आप करना भी यही चाहते हैं क्योंकि आप टेस्टिंग करना चाहते हैं। If transaction should be executed in some logical order, try a different order. क्योंकि अगर आप एक logical order में checkout कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने use case diagram के अंदर check करते हुए देखा, use case के ATM वाली example में, हम ऊपर नीचे भी काम कर सकते हैं अगर possibility हो तो उसको हम checkout कर सकते हैं। Instead of entering data top down, try bottom up, that is create goofy test cases. यानी कि आपने हर वो test cases बनाते हुए हर वो scenario सोचना है जो कि user कर सकता है, चाहे वो गलती से करे, चाहे वो जानबूझ के करे, चाहे वो सिस्टम को साथ खेलने की कोशिश कर रहा हो, वो सारे सिनारियोज आपने चेकआउट करने हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी टेस्टिंग लैकिंग करेगी, आपकी टेस्टिंग में कमी हो जाएगी, क्योंकि यूजर तो इनपुट करेगा। आप अगर खुद से ये नहीं सोचेंगे कि यूजर क्या क्या गलत इनपुट कर सकता है, जब तक आप ये चीज नहीं सोचेंगे, या यूजर क्या क्या आउट ऑफ सीक्वेंस इनपुट कर सकता है, जब तक आप ये सोच के उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, आपका सिस्टम जाना वो ज्यादा सिक्योर नहीं हो सकता। ट्रांजेक्शन टेस्टिंग इज जनरली द कॉर्नर स्टोन ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि आपके पास जो यूज केस टेस्टिंग है वो आपकी ट्रांजेक्शन को चेकआउट कर रही है, तो उसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। इट शुड बी यूज व्हेन एवर सिस्टम ट्रांजेक्शन आर वेल डिफाइंड, अगर आपके पास फुल स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड पूरा सिस्टम है तो वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। While creating at least one test case for the main success scenario and at least one for each extension, provide some level of test coverage. It is clear that no matter how much we try, most input combinations will remain untested. हम 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते, चाहे यूज केस टेस्टिंग हो चाहे कोई भी टेस्टिंग हो, 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते, हम खाली डिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सिनारियोज पे भी जो सिनारियों में समझ में आ सकता है हम उसको कवरेज कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमने 100% टेस्टिंग नहीं की होती, तो अगर हम ये कहेंगे कि हमारा सिस्टम 100% सिक्योर है 10 टेस्ट करने के बाद या 50 टेस्ट करने के बाद, देन
दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर हमने 50 टेस्ट किए हैं तो शायद हम 50 टेस्ट हमारे जेन में आ भी नहीं रहे। जब यूजर के पास कोई सिस्टम जाता है तो क्या क्या इंट्रैक्शन कर सकता है, वी कुड नॉट इमेजिन इट। उसके लिए हमारे पास मोस्ट पाथ्स थ्रू ट्रांजेक्शन आर वेरी इजी टू क्रिएट। आप यूज केसेस के थ्रू पाथ बना सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उसमें हम कह सकते हैं वैलिड और इनवैलिड डाटा को आप जो है ना वो अपने टेबल के अंदर चेकआउट कर सकते हैं एंट्री कर करके। मोस्ट डिफिकल्ट वंस आर दोज पाथ्स ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सेप्शनल कंडीशन, दैट इज लो मेमोरी, डिस्क फुल, कनेक्शन लॉस्ट, ड्राइवर नॉट लोडेड। अब हम जब सिनारियो बना रहे होते हैं तो ये वो सिनारियो हैं, एक्सेप्शनल सिनारियो, जैसे लो मेमोरी, डिस्क फुल, कनेक्शन लॉस्ट, ड्राइवर नॉट लोडेड, जिसको हम कैटर फॉर नहीं कर रहे होते, बाजू का सिस्टम क्रैश होने की वजह से या कोई फाइल की करप्ट होने की वजह से ये एरर्स आ सकते हैं, इसकी हम टेस्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर द टेस्टर टू क्रिएट और सिमुलेट दीज कंडीशंस, क्योंकि ये बड़े ये ऐसे सिनारियो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नहीं है, तो अक्सर ये जो है ना बंदा टेस्टिंग करते हुए ये चीज से निकल भी सकती है। फॉर्चुनेटली अ टूल इज अवेलेबल टू हेल्प द टेस्टर सिमुलेट दीज प्रॉब्लम्स, दैट इज Holodeck, created by James Whittaker and his associates at Florida Institute of Technology. एक सॉफ्टवेयर है, एक कोड है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, GitHub पे भी कोड अवेलेबल है और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी अवेलेबल है। Holodeck monitors the interactions between an application and its operating system. It logs each system call and enables the tester to simulate failure at any call at will. क्योंकि वो तमाम लॉगिंग कर रहा है हर स्टेप्स की, तो वो उसकी सिमुलेशन बनवा सकते हैं। इन दिस वे द डिस्क कैन बी मेड फुल, नेटवर्क कनेक्शंस कैन बिकम डिसकनेक्टेड एंड डाटा ट्रांसमिशन कैन बी गार्बल्ड एंड अ होस्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स कैन बी सिमुलेटेड। तो आपके पास जो होलोडेक एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप वो कंडीशंस, वो एक्सेप्शनल सिनारियो सिमुलेट कर सकते हैं जो कि सिस्टम के सिनारियो होते हैं, जो कि शायद हम उसको सिमुलेट करने में हमें प्रॉब्लम होती हो तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। सो देयर इज अ सिनेरियो, हमारे पास फूड ऑर्डर के पेमेंट सिस्टम है, वेटर है, शेफ है, क्लाइंट है, कैशियर है, इस पूरे जो हमारे पास एक यूज केस डायग्राम है, इस यूज केस डायग्राम को अगर हम यूज केस बेस्ड टेस्टिंग करें तो हम बेसिक यूज केस टेस्टिंग टेबल भी बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, और हम इसका डिटेल्ड यूज केस टेस्टिंग टेबल भी बना सकते हैं जैसे कि हमने चेकआउट किया था। तो इसके हिसाब से हमें हर हर यूज केस के लिए, हर हर यूज केस के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, और कम से कम हर यूज केस के लिए एक आपका जो है वो टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन और एक आपका जो है वो अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हमें बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो है वो टेस्टिंग बेहतर से बेहतर हो सके, हमारा सिस्टम बेहतर से बेहतर टेस्टेड हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।